बच्चे को मारकर पिता से करता रहा फिरौती की मांग। मृतक के पिता से अपहरणकर्ता दिन में 3 बार धमकी देकर मांगता रहा लाखों की फिरौती। 6ठी कक्षा में पढ़ने वाला मासूम सा युवक कंधे पर बैग उठाए अपने बड़े भाई के साथ कोठों स्कूल में पढ़ने निकला था। रास्ते में बड़े भाई को छोड़ स्कूल से कुछ पहले मृतक छात्र पटाखे चलाने के लिए रुक गया, लेकिन उसे क्या पता था कि कोई पैसे की हवस का भेड़िया अपने शिकार की घात लगाए उसका इंतजार कर रहा था। इस हत्यारे ने बड़ी चालाकी के साथ बच्चे के साथ पटाखे जलाने के बहाने पहले दोस्ती की, फिर उसे अपने जाल में फंसाया, फिर उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके साथ स्कूल की ओर ऐसे चलने लगा जैसे कोई उसका बचपन का दोस्त हो। कुछ देर चलने के बाद वो दोनों गायब हो गए। उसके बाद इस हत्यारे ने मृतक के पिता को संपर्क साधा और 11 बजे के आसपास उनसे 50,000 रुपए की मांग की और अपना फोन बंद कर दिया। फिर किसी दूसरे फोन से 1 बजे फोन कर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी और अंतिम फिरौती में 20 लाख रुपए की मांग की और इतने में पुलिस उसे ट्रेस कर चुकी थी। और ये खूनी दरिंदा चिल्ड्रन पार्क में झूला झूलते हुए फिरौती मांग रहा था। पुलिस ने इसे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर धर दबोचा और उसकी जांच की तो बच्चे का आई कार्ड हत्यारे के पास से बरामद हो गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने खुलासा किया। आज सुबह हमें थाने पे सूचना मिली थी लगभग 11:30 बजे कि एक व्यक्ति जिनका नाम भगत राम है और यहाँ शांति में एक हार्डवेयर की शॉप पे वो सेल्समैन का काम करते हैं, उनके बेटे की किडनैपिंग को लेके रैंसम के लिए कोई व्यक्ति उनको फ़ोन कर रहा है। उनका बेटा जो है वो 6th क्लास में पढ़ता था कोठों स्कूल में, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोठों में, और मॉर्निंग में वो स्कूल गया था और वो स्कूल नहीं पहुंचा है। और वो जो रैंसम कॉल करने वाला है उसने 3-4 बार कॉल किया उसके फादर को कि जिसमें उसने मनी की डिमांड की और बोला कि उसका बच्चा जो है वो उसके पास है और अगर बेटा वापस चाहिए तो आप जो है इतना पैसा लेके आइए। तो ये डिफरेंट अमाउंट्स मांगे, कभी इसने 50,000 रुपये मांगा, 40 लाख रुपये मांगा, 20 लाख रुपये मांगा। इस पे जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तो तुरंत हमने इसमें 363 और 364A IPC के तहत केस दर्ज किया और इसमें डिफरेंट टीम्स बना के उस पे काम करना शुरू किया SP सर की लीडरशिप में। और इसमें जो भी इस रास्ते में CCTV कैमराज वगैरह लगे थे उनको खंगाला गया और कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस पे काम किया गया। तो इसी आधार पे, इन सारे तथ्यों के आधार पे एक नेपाली व्यक्ति जिसका नाम विपिन है उसको गिरफ्तार किया गया है और उसकी इंस्टांस पे उस नेपाली ने पूछताछ में जब उसकी पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने जो बच्चा है उसको वो साथ ले गया था और उसको कोठों स्कूल के साथ लगते ही जंगल में उसने उसको मार के उसकी बॉडी जो है एक नाले में रखी है। उसके इंस्टांस पे जो है बच्चे की बॉडी रिकवर कर ली गई है, उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है और आगे केस में अकॉर्डिंगली सेक्शन जो है वो मॉडिफाई की जा रही है, 302 उसमें ऐड की जाएगी और ये जो व्यक्ति है नेपाली मूल का इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्टा न्यूज़ के लिए सोलन से अमरप्रीत कुंज की रिपोर्ट।